हमारे पास आई है वैगनार, जिसका डिक्की पे कलर फट गया था, कलर ख़राब हो गया था कहीं से, इन्होंने पहले कलर करवाया होगा तो वो कलर फट गया था। अभी गाड़ी हमारे पास आई है तो हम इस पे डालेंगे बिल्कुल ओरिजिनल पेंट जो कि कंपनी के साथ आता है। तो अभी फैजान भाई इसमें डेंटिंग कर रहे हैं और जब ये डेंटिंग हो जाएगी तो हम इस पे कलर डालेंगे। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं काम। फैजान भाई डेंटिंग कर रहे हैं वैगनार की। फैजान भाई डिक्की के अलावा क्या क्या डेंटिंग है इसकी? ओके डिक्की डलेगी। ये फैजान भाई ने डिक्की डेंटिंग कर दी है। अब इस पर इनका काम ख़त्म हो गया है, अब इस पर चालू होगा बाबा और सद्दाम भैया का काम। अभी फैजान भाई ने इस पर डेंटिंग कर दी थी तो अभी सद्दाम भैया इसके ऊपर पुट्टी भर रहे हैं। पुट्टी भरने के बाद में उसको घिसकें और ये इस पर कलर डालेंगे। देखते हैं कैसे कर रहे हैं काम। बाबा ने गन भर ली है कलर मिक्स करके और अब बाबा डालेंगे वैगनार पे कलर। बाबा क्या ढूंढ रहे हो आप अभी? बाबा टैकलोथ ढूंढ रहे हैं। टैकलोथ एक तरह का कपड़ा होता है जो कि गीलेपन को बिल्कुल सोख लेता है। तो जब बाबा कलर करेंगे तो पहले एक बार उससे साफ करेंगे, पूरे जिस पार्ट को साफ कलर करना है, उसके बाद में उसके ऊपर कलर डालेंगे ताकि पेनोल्स ना आ जाए। पेनोल्स होते हैं कलर के साथ अगर पानी किसी पार्ट पे चला जाए तो उससे वो पानी की जगह पानी सूखने के बाद में गड्ढे हो जाते हैं कलर के ऊपर, उनको पिनोल्स बोला जाता है। तो अभी ये है टैकलोथ, इस क्लोथ से पहले साफ करेंगे, उसके बाद में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही कलर डालेंगे। तो देखते हैं कैसे डाल रहे हैं बाबा कलर। वैगनार का डिक्की जो हमने डाला था कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए डिक्की बिल्कुल नए के जैसा कलर हो गया, कोई भी मिसमैच नहीं है कलर में।